प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है पोशाकपुर का राजा। बात बहुत पुरानी है। पोशाकपुर पर राजा वस्त्रसेन का अधिकार था। यूं तो पहले पोशाकपुर का नाम रत्नपुर था, पर महाराज वस्त्रसेन ने राजा बनते ही उसे बदलकर पोशाकपुर कर दिया। महाराज को नए नए कपड़े पहनने का इतना शौक था कि उन्होंने अपना पूरा खजाना नए नए कपड़े खरीदने में ही खर्च कर डाला। उनके पास दिन के हर घंटे के लिए अलग अलग कपड़े थे। नए कपड़े पहनकर अपनी तारीफ करवाना हमारे महाराज को बहुत पसंद था। जब भी कोई नया कपड़ा पहनते तो पूरे राज्य में घूम घूम कर अपनी प्रजा को दिखाते। वस्त्रसेन के इस वस्त्र प्रेम की बात राज्य के बाहर भी फैल गई और ये बात जग्गू मग्गू नाम के दो ठगों ने भी सुनी। दोनों पड़ोस के राज्य में रहते थे और बहुत दिन से खाली बैठे थे। जग्गू मग्गू से बोला, भाई बहुत दिन हो गए किसी को मूर्ख बनाए, कुछ पैसा ही नहीं ऐंठ पाए हैं। हाँ भाई जग्गू, लगता है इस राज्य के लोग कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं, अब हमारी किसी चाल में नहीं फंसते। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि उनका ध्यान पास बैठे कुछ लोगों की बातों पर गया। अरे गोपी भैया, कुछ सुना? पोशाकपुर के राजा वस्त्रसेन तो कभी अपने दरबार में ही नहीं आते, बस नए नए कपड़े अपने महल में बैठकर पहना करते हैं। ये तो कुछ नहीं, हरिया बीच में ही बोला, वस्त्रसेन तो अपने दरबारियों, नौकरों और चौकीदारों को शाही सवारी में सिर्फ अपने कपड़ों की तारीफ करने के लिए बिठा लेते हैं। ये सुनकर जग्गू और मग्गू के शैतानी दिमाग में ठगी की एक नई योजना बनने लगी। दोनों कहीं से कपड़ा बुनने का एक पुराना करघा लेकर पोशाकपुर वस्त्रसेन के महल पहुंच गए। जो ही महाराज वस्त्रसेन ने सुना कि दूर देश से दो निराला कपड़ा बनाने वाले आए हैं, तो फौरन दोनों ठगों को अपने महल बुला लिया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं हूं जुलाहा जगत राम और ये है मेरा भाई दर्जी मगत राम। हम दोनों आपकी सेवा में ऐसा कपड़ा लाए हैं जैसा ना तो किसी ने देखा और ना किसी ने सुना। महाराज को जग्गू की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जग्गू से बोले, तुरंत दिखाओ अपना कपड़ा, अगर हमें पसंद आया तो हमारे जन्मदिन की पोशाक तुमसे ही बनवाएंगे। जग्गू ने चतुराई से कहा, महाराज आलीशान कपड़े की एक और खूबी भी है, अज्ञानी लोग इसे नहीं देख सकते, सिर्फ समझदार और अकल वाले लोग ही इसे देख पाएंगे। वस्त्रसेन ने सोचा, ये तो और भी अच्छा है, मेरे सभी दरबारियों मंत्रियों की परीक्षा भी इसी कपड़े से हो जाएगी। राजा ने जग्गू और मग्गू को कपड़ा बनाने का आदेश दे दिया। अब क्या था, दोनों ठगों के वारे न्यारे हो गए। दोनों मजे मजे के खाने खाते, दिन भर आराम करते और अगर उन्हें लगता कि कोई उनकी तरफ आ रहा है तो करघे को ठक ठक करके चलाने का नाटक करते। दो हफ्ते बाद राजा ने अपने महामंत्री चतुर्बुद्धि को जग्गू और मग्गू के काम की जानकारी लेने के लिए भेजा। चतुर्बुद्धि को अपनी चतुराई और तेज बुद्धि पर बड़ा घमंड था। उसे लगता था पूरी दुनिया में उससे समझदार इंसान कोई नहीं है। वस्त्रसेन ने सोचा, आज इस चतुर बुद्धि की भी परीक्षा हो जाए, पता तो चले इसकी बुद्धि कितनी तेज है। चतुर बुद्धि को आता देख जग्गू काम पर लग गया। चतुर बुद्धि ने जोरदार आवाज में पूछा, काम कहां तक पहुंचा? हुजूर, हमने 5 अलग अलग रंगों के थान बनाए हैं, सभी की पोशाकें बनेंगी, जग्गू बोला। चतुर बुद्धि ने चारों ओर देखा, कपड़ा तो छोड़ो, कहीं धागे का एक टुकड़ा भी नहीं था। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, पर कहता कौन, महाराज तो सबसे पहले उसे ही मूर्ख समझते और दरबार से निकाल देते। पर बच्चों, सच को जानने वाला अगर चुप रहता है तो मुसीबत को ही बुलावा देता है, और हुआ भी यूं ही। चतुर बुद्धि ने सीधे महाराज को जाकर बताया, महाराज पूरे 5 थान कपड़ा बन चुका है और कपड़ा भी ऐसा कि मखमली रेशम भी उसके सामने खुरदरा लगे। अब महाराज को 2 चीजों पर तो पक्का विश्वास हो गया, एक तो जुलाहों की कारीगरी पर और दूसरा चतुर बुद्धि की होशियारी पर। आखिरकार वो दिन आ ही गया।
जब महाराज वस्त्रसेन ने अपनी अद्भुत पोशाक पहननी थी। जग्गू मग्गू रात भर कपड़े सिलने का नाटक करते रहे और सुबह होते ही एक सुंदर से डिब्बे में महाराज की पोशाक लेकर पहुंचे। डिब्बा बिल्कुल खाली था, पर अब ये बात कहे कौन, जो कहता वही मूर्ख सिद्ध होता। महाराज ने जब खाली डिब्बा देखा तो उन्हें लगा, जो कपड़े सबको दिख रहे हैं वो मुझे नहीं दिख रहे, कहीं मैं ही तो मूर्ख। नहीं 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 नहीं, मुझे भी दिख रहे हैं। वाह जगत राम, बहुत ही बढ़िया, क्या काम किया है, बहुत अच्छा रंग है। महाराज की बात सुनकर जग्गू बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं, अभी ये शेरवानी पहनी है, लाइए हम आपको पहनाते हैं। कितनी आलीशान, बिल्कुल आपकी शान के मुताबिक। आइए ये बेल्ट भी लगवाइए। ये हुई ना बात। वस्त्रसेन भी अपने आप को शीशे में देखकर खुश हो रहे थे, हालांकि दिख उन्हें भी कुछ नहीं रहा था। महाराज आपकी सवारी तैयार है, दरबान ने अंदर आकर कहा। वस्त्रसेन ने जग्गू मग्गू को मुंह मांगा इनाम देकर विदा किया और खुद चल दिया अपनी प्रजा को अपनी नई पोशाक दिखाने। महाराज को बिना शाही कपड़ों के देखकर सभी लोग हैरान रह गए, पर बोले कौन। तभी भीड़ में खड़ा एक बच्चा जोर से बोला, अरे महाराज ने तो कपड़े ही नहीं पहने। बच्चे की बात सुनकर लोगों में बातें शुरू हो गईं। हां भाई सही बात है, महाराज आज शायद कपड़े पहनना ही भूल गए हैं। अब महाराज भी समझ गए कि मूर्ख को पहचानने के चक्कर में खुद ही मूर्ख बन गए हैं। मगर सबके सामने गलती कैसे मानते, यूं ही अकड़ कर चलते गए मानो कुछ सुना ही ना हो। वस्त्रसेन को अपनी बेवकूफी का अच्छा फल मिला और उसने अब अपने कपड़ों से ज्यादा अपने राज्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अच्छा बच्चों, अब हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।